आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है बच्चों। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 5 क्लास 12th मैथमेटिक्स के एमसीक्यूज करेंगे। तो बेटा चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर इस चैप्टर के एमसीक्यू वैसे बेसिकली पता है क्या, आपको आपके कॉन्सेप्ट पूरे आने चाहिए, ठीक है। उसके साथ आपको सारे फॉर्मूले आने चाहिए, क्योंकि कैलकुलेशन पोर्शन है ना बेटा, तो क्वेश्चन कैसे भी बन सकते हैं। और ये दो चीज़, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो और सारे फॉर्मूले आपको पता हो, मेथड्स आपको पता हो, तो इस चैप्टर के क्वेश्चंस कहीं से भी आ जाए, छोटे बड़े बहुविकल्पीय, आप वो आराम से कर पाएंगे। तो मैंने कुछ ही क्वेश्चन लिए हैं, क्योंकि मेन चीज़ इसका वही है, कॉन्सेप्ट प्लस फॉर्मूला, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, यदि फलन आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर साइन वन अपॉन एक्स है, जहाँ एक्स का मान जीरो ना हो, तो एक्स बराबर जीरो पर फलन का मान निम्नलिखित में क्या हो सकता है, यदि जो फलन है एक्स बराबर जीरो पर सतत है। तो बोल रहे x बराबर जीरो पर फलन का मान क्या होगा, और अगर x बराबर जीरो पर ये क्या है, सतत है, ये बोल रहा है हमसे। तो देखो बेटा, ये हमारा फलन है, ठीक है, एक्स स्क्वायर साइन वन बाई एक्स, ठीक है। और यहाँ बोल रखा है कि x का मान जीरो नहीं है, क्योंकि जीरो लगेगा तो ये डिफाइन नहीं करेगा, ठीक है। तो देखो अब x बराबर जीरो पर मान निकालना है, तो हम x बराबर जीरो पर मान निकालते, जहाँ x है ना वहाँ जीरो रख दो। ये कुछ भी क्वांटिटी हो सकती है, x के जगह जीरो पर रखने पे ना, तो जीरो इंटू समथिंग, वन अपॉन जीरो क्या होता है, इन्फिनिटी, ये कुछ क्वांटिटी है एंगल में ना, तो एक कुछ मान होगा, तो जीरो इंटू समथिंग क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, जीरो। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा पहला वाला है ना, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा बेटा, जितने भी प्रश्नावली जो 5.1 है ना, उसको ज़्यादा अच्छे से करिएगा, उसके कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं एमसीक्यूज में, ठीक है। और बाकी जितने भी एक्सरसाइज है उसके फॉर्मूले अच्छे से याद हो, बाकी तो डेरिवेशन ही है सब में, है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, यदि ये चीज़ है तो dy/dx का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। हमें दे रखा है x माइनस वाई बराबर पाई, डिफरेंट अवकलज करेंगे, x के सापेक्ष अवकलज करना है, तो यहाँ लिख देते हैं x के सापेक्ष अवकलज करने पर ठीक है। बाकी सब कुछ मैंने पढ़ा रखा है, लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे। x का अवकलज, x के सापेक्ष करेंगे तो एक होगा, y का अवकलज क्या हो जाएगा, dy बटा dx, और पाई कांस्टेंट है तो अवकलज जीरो हो जाएगा। माइनस का dy बटा dx उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो dy बटा dx का जो मान हो जाएगा वो कितना जाएगा, एक, ठीक है, कितना जाएगा, एक। अगले प्रश्न में आ जाओ, कह रहे जो फंक्शन एक्स दे रखा है, ये दे रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, हिंदी में बोलते हैं महत्तम पूर्णांक फलन को व्यक्त कर दे, तो वो निम्नलिखित में किस पर सतत होगा, किस पर सतत होगा। आप जानते हैं जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फलन होता है ना, महत्तम पूर्णांक फलन, ठीक है, पूर्णांक पर क्या होता है, पूर्णांक पर होते असतत। जितने भी महत्तम पूर्णांक फलन है ना, तो पूर्णांक पर क्या होते हैं, असतत। तो पूर्णांक कौन सा है, चार पूर्णांक है, माइनस दो पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, यानी कि 1.5 पर क्या होगा, सतत होगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट बेस पे क्वेश्चन है, कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट पर आ जाओ, कह रहे हैं यदि आपका ये एफ एक्स है और ये जी एक्स है, तो निम्नलिखित में से कौन सा फलन असतत हो सकता है। देखो बेटा, सबसे पहली चीज़ आपको पता होगा, आपका एफ एक्स सतत है, क्वेश्चन में दे रखा है, और आपका जी एक्स भी सतत है, ठीक है। आप जानते हैं नोट में, आप क्या जानते हैं, अगर दो फलन सतत होते हैं तो उनको जोड़ने पर या फिर उनको आपस में घटाने पर वो क्या होते हैं, सतत होते हैं, और अगर उनके गुणा भी की जाए, ठीक है, तो भी वो क्या होते हैं, सतत होते हैं। बात थोड़ी सी चुपती कहाँ पर है, जब एफ एक्स है और बट्टे में अब जब भाग दोगे जी एक्स, तो ये जी एक्स है ना, इसको होना पड़ेगा नॉन ज़ीरो, तब जाके वो सतत होता है, ठीक है। ये सतत इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, थोड़ा बहुत जो डाउट दिख रहा है वो हम कर लेते हैं। यहाँ देखो बेटा, यहाँ दे रखा है जी एक्स बट्टे एफ एक्स, देखो ये सतत होगा, ये सतत होगा, ये सतत होगा, अब इस पर थोड़ा बहुत हमारा डाउट है, ठीक है। आंसर तो तुम्हारा यहीं पे मिल चुका है, ये वाला तुम्हारा असतत होगा, क्योंकि जब ये सतत है, ये सतत है, ये सतत है, तो बात
ये बचे तीन ऑप्शन तुम्हारे हटा दिए तो एक ही बचा, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब आपको क्लेरिफिकेशन देके दिखाता हूँ कैसे क्यों। जी एक्स ऊपर है तो जी एक्स को हम ऊपर रखते हैं, जी एक्स हमारा क्या है एक्स स्क्वायर बट्टे दो प्लस वन पूरे के बट्टे में एफ एक्स कितना टू एक्स, इसको हल कर लेते हैं थोड़ा सा एक्स स्क्वायर प्लस टू बट्टे में टू इसके बट्टे में टू एक्स, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक आ गया, इसके गुणा इसके साथ भागा इसके गुणा इसके साथ तो एक्स स्क्वायर प्लस टू बट्टे में आ गया फोर एक्स। ठीक है, अब मेंशन नहीं है यहाँ पर, मेंशन है क्या कि एक्स का मान जीरो नहीं है, क्योंकि एक्स का मान जीरो भी हो सकता है, चूँकि एक्स बराबर जीरो पर अगर एक्स की जगह पर जीरो रखोगे किसी के बट्टे में जीरो तो फलन क्या होता है परिभाषित नहीं होता है, यानी कि एक्स बराबर जीरो पर ये क्या हो जाएगा असतत हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं कि e की पावर एक्स क्यूब का अवकलज कीजिए, e की घात में एक्स क्यूब, ठीक है फलन ये माना मैं वाई लिख देता हूँ, वाई बराबर e की घात में एक्स क्यूब, अवकलज करना डी वाई बटा डी एक्स, सिंपल क्वेश्चन ही आएंगे। e की पावर एक्स क्यूब का अवकलज e की पावर एक्स क्यूब होते हैं, फिर आपको क्या करना होता है डी बटा डी एक्स जो घात में होता उसका फिर से अवकलज कीजिए। आपको पता है डी बटा डी एक्स एक्स की पावर एन क्या होता है एन एक्स एन माइनस वन, तो ये लगा दीजिए तीन सामने आ जाएगा और एक घात कम हो जाएगी, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे सिंपल सिंपल, तो वही है एम सी क्यू, इसमें ज़्यादा टफ आते हैं नहीं, अगर आपका चैप्टर क्लियर है तो आपका एम सी क्यू ऑलरेडी बन जाएगा, थोड़ा बहुत एफर्ट डालना पड़ेगा 5.1 एक्सरसाइज में, कॉन्सेप्ट उसमें ज़्यादा है थोड़ा भूल सकते हो, बाकी तो ये फॉर्मूला बेस्ड आते हैं, बाकी आगे के क्वेश्चन है ना वो हो ही जाते हैं। कह रहे हैं यदि x का मान इतना हो y का मान इतना हो तो डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पैरामेट्रिक फॉर्म में x हमें दे रखा है टी स्क्वायर, टी पैरामीटर है, और y हमें दे रखा है टी क्यूब। ठीक है जी, तो पैरामीटर के सापेक्ष डेरिवेटिव करेंगे t के सापेक्ष तो ये हो जाएगा 2t, डी वाई बटा डी टी करेंगे तो ये हो जाएगा 3t स्क्वायर। ठीक है, अब आप जानते हैं डी वाई बटा डी एक्स क्या होता है बेटा, डी वाई बटा डी एक्स होता है डी वाई बटे डी टी, डी एक्स बटे डी टी है कि नहीं, डी वाई बटे डी टी कितना है हमारे पास, यह आया है 3t स्क्वायर और यह आया है 2t, तो यह आ जाएगा 3/2t। ठीक है, अब 3/2t आ गया है, इसका एक बार दोबारा से हमें अवकलज करना है। ठीक है, सो देखो डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर बोला है ना, तो ये हो जाएगा, अब मैं यहाँ पर डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर करना है। सो देखो बेटा 3/2 है और टी का अवकलज क्या हो जाएगा, एक्स सापेक्ष करोगे तो डी टी बट्टे डी एक्स। ठीक है, और डी टी बट्टे डी एक्स यहाँ से आप मान निकाल लो डी टी बट्टे डी एक्स, तो ये हो जाएगा 1/2, देखो पलट देंगे ना 1/2 2t आ जाएगा, यहाँ से मान उठाकर यहाँ पर रख दिया तो ये 2 है ये 2 है, ऊपर से 3 नीचे से आ गया 4t, 3/40, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाऊँ, ये आपका y दे रखा है तो dy वाई बटा डी एक्स का मान क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है, अब एक क्वेश्चन और आ सकता है जो आपको यहाँ मेरे ख्याल से हो सकते हैं कि अगर आपके पास y है, ठीक है, आपको आपको अवकलज करना है कि जैसे सपोज करो ऐसे लिखा हुआ x की पावर x की पावर x की पावर x ऐसे चलता जा रहा है, ठीक है, इसका अवकलज करना है तो कैसे करोगे, ये भी मैंने क्वेश्चंस करा रखे हैं, तो पहले ये वाला कर लेते हैं उसके बाद देखते हैं डीवाई बटा डी एक्स निकालना है। देखो बेटा वाई को मैं लिख सकता हूँ साइन एक्स प्लस वाई की घात 1/2, ठीक है ऐसे लिख सकता हूँ कोई दिक्कत नहीं है, हमें डी वाई बटा डी एक्स करना है, एक्स के सापेक्ष अवकलज करते पहले क्या सॉल्व होती हैं घात, 1/2 सामने आ जाएगी, ठीक है, और घात में से एक कम हो जाएगी, अंदर जो है उसका अवकलज हो जाएगा, साइन एक्स का अवकलज क्या होगा बेटा कॉश एक्स, और वाई का अवकलज क्या हो जाएगा डी वाई बटा डी एक्स, सिंपल।
कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। यहाँ से देखिए इधर है डी वाई बट्टे डी एक्स और यहाँ से माइनस के एक बट्टे दो बचेगा, है कि नहीं। वो नीचे आके क्या हो जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगा साइन एक्स प्लस वाई, और ऊपर क्या है गुणे में कॉश एक्स प्लस डी वाई बट्टे डी एक्स। अब इस चीज़ का मान ऑलरेडी क्या दे रखा, वाई दे रखा है, तो वाई रख देते हैं, डी वाई बट्टे डी एक्स एक बट्टा टू वाई, और गुणे में क्या है कॉश एक्स डी वाई बट्टे डी एक्स। ठीक है, आगे थोड़ा हल कर लेते हैं। अब ध्यान से देखिए डी वाई बट्टे डी एक्स को एक तरफ लाओ, इधर तो डी वाई बट्टे डी एक्स है ही है, इससे अंदर ये गुणा हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस के टू वाई डी वाई बट्टे डी एक्स, और इधर बचा टू वाई कॉश एक्स। ठीक है, तो डी वाई बट्टे डी एक्स इधर से आ जाएगा ओबेनिस्ट, यहाँ से बचेगा वन, यहाँ से आ जाएगा ये। ठीक, ये चीज गुणे में उधर जाके क्या हो जाएगी बट्टे में। ठीक, तो डी वाई बट्टे डी एक्स यहाँ है वन बाई टू वाई, ऊपर है कॉश एक्स, यहाँ है, इसको अगर हल कर देंगे तो यह आ जाएगा टू वाई माइनस के वन बट्टे में टू वाई, टू वाई से टू वाई कैंसिल, ऊपर बचा कॉश एक्स, नीचे बचा टू वाई माइनस के वन, ये हमारा आ गया डी वाई बट्टे डी एक्स। देखो ये ऑप्शन में दिख रहा है क्या, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ठीक है, ये हमारा बिल्कुल सही है। अब ये एक क्वेश्चन जो मैंने अभी लिखा है ना बेटा, उसको भी मैं करवा देता हूँ। तो मुझे लगता है ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, या एनसीईआरटी में नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चन में जब देखोगे ना, तो मान लो वाई, माना ये किसके बराबर है बेटा, वाई के बराबर है, एक्स की पावर एक्स की पावर एक्स की पावर ऐसा ये चल रहा है ना, तो ये वाई मान लोगे। ठीक है, अब वाई है तो कहीं से भी एक फिक्स कर दो, जैसे इस टर्म को छोड़ा, इसके ऊपर पूरा ये वाई के रूप में है। ठीक है, तो ये एक्स की पावर क्या हो गया, वाई हो गया। ठीक, अब जब वेरिएबल की पावर वेरिएबल होता है तो क्या करते हैं, लॉग लेते हैं, लॉग लेने पर इधर तो हो जाएगा लॉग वाई, इधर भी ले लोगे लॉग एक्स की पावर वाई, यहाँ वाई, ये वाई जो पावर में होता है वो सामने आ जाता है। ठीक है, अब क्या करना होगा आपको, अब क्लच करना होगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसमें लग जाएगा फर्स्ट इंटू सेकेंड, इधर आप क्लच करोगे लॉग वाई का क्लच क्या होगा, वन अपॉन वाई, और वाई का क्लच डी वाई बट्टे डी एक्स, इधर पहला वैसा का वैसा गुणे दूसरे का क्लच लॉग एक्स का क्लच एक बट्टे एक्स होता है, फिर दूसरे वैसे का वैसा गुणा पहले का क्लच वाई का क्लच क्या हो जाएगा डी वाई बट्टे डी एक्स, इस ये प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा बट्टे में, सॉरी बट्टे में बोल रहा हूँ माइनस में, प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में, और यहाँ बचा वाई बट्टे एक्स, तो डी वाई बट्टे डी एक्स ओबनिस ले लो, तो यहाँ से बचा एक बट्टे वाई माइनस के लॉग एक्स, जब गुणे में है उधर आके क्या हो जाएगा बट्टे में आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से करना होता है इस टाइप के क्वेश्चंस को। ठीक है, आएगा तो ऐसे कर देना, इस पर मैंने एक अलग से वीडियो बना भी रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन वही है आपका, एक्स बराबर वाई, ये क्या दे रहा है, एक्स बराबर फोर टी दे रखा है और वाई बराबर फोर अपॉन डी दे रखा है, तो डी वाई बट्टे डी एक्स ज्ञात करना है। एक्स बराबर है फोर टी, वाई बराबर फोर अपॉन टी, हमें ज्ञात करना है डी वाई बट्टे डी एक्स, पैरामीटर टी दिख रहा है तो ये होगा डी वाई बट्टे डी टी डी एक्स बट्टे डी टी, तो डी एक्स बट्टे डी टी करेंगे, फोर टी का क्लच वन, ये आ गया सिर्फ फोर, इधर करेंगे डी वाई बट्टे डी टी फोर बार वन अपॉन टी का आप कलर्स करेंगे तो माइनस के वन अपॉन टी स्क्वायर, तो ये आगे माइनस के वह ये चीज़। अभी ये मान उठाकर यहाँ रखना है, डी वाई बट्टे डी टी का मान आया माइनस के फोर बट्टे में टी स्क्वायर, और इसका मान आया फोर, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक ले लेंगे, इसके गुणा इसके साथ भागा इसके गुणा इसके साथ, माइनस चार एकम चार, चार टी स्क्वायर, चार से चार कटा आंसर आ गया माइनस के एक बट्टा टी स्क्वायर, तो माइनस के एक बटा टी एस का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं।
शानदार क्वेश्चन है। ये आपके पास फलन है, तो कह रहे हैं ये जो फलन है केवल एक बिंदु पर असत्य है, दो बिंदु पर असत्य है, तीन बिंदु पर असत्य है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखो बेटा, असतत तब होता है जब नीचे बट्टे में जो भी होता है ना, ये क्या है, परिमेय फलन है। तो बट्टे में अगर जीरो रह जाएगा तो असतत होगा। जितने बिंदु पर जीरो हो सकता है, एक्स के मान जितना रखोगे कि जीरो हो जाए, फिर उतने बिंदु पर ही असत हो जाता है। देखो बेटा, तो नीचे क्या है, ये चीज़ है, तो एक्स वन स्टार है यहाँ से ये चीज़, ठीक है। चार को मैं लिख सकता हूँ, टू का स्क्वायर एक्स को लिख सकता हूँ, ये आप जानते ही हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ये हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी। तो कितने पॉइंट्स आ रहे हैं, जीरो हो सकते हैं। ये तो एक्स बराबर ज़ीरो हो जाएगा, ये एक्स का बराबर माइनस के टू हो जाएगा, और ये एक्स बराबर प्लस के टू हो जाएगा। तो इन तीन बिंदुओं पर, एक्स बराबर ज़ीरो पर, एक्स बराबर माइनस टू पर, एक्स बराबर टू पर, ये जो आपका फलन है ये क्या होगा, असतत होगा। तीन बिंदुओं पर, ठीक तीन बिंदुओं पर ये जो दिया गया फलन है वो क्या होगा, असतत होगा। ठीक, ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने जानबूझ के एक एक्स्ट्रा ले लिया ताकि बाकी बोर्ड्स के बच्चों के लिए भी हेल्प हो जाए। ये आपको एक अंतराल दे रखा है, ठीक है, फलन आपको ये दे रखा है। रोले के प्रमेय में के लिए सी का मान ज्ञात करना है। सी का वही मान हम लेते हैं जो इस इंटरवल के बीच में है। तो देखो, रोले के प्रमेय में क्या होता है कि जो एफ डस सी होता है उसको हम जीरो के बराबर लेते हैं। ये फलन है, इसका एक बार आप क्लच करो, एफ डस एक्स, तो ये हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर माइनस के थ्री, यानी कि एफ डस सी, यानी कि हो जाएगा थ्री सी स्क्वायर माइनस के थ्री, माइनस का थ्री इधर के प्लस, तीन एकम तीन, सी स्क्वायर का मान एक आ गया, सी का मान आ जाएगा प्लस माइनस एक, वर्गमूल निकालोगे तो। तो देखो, सी के दो मान है, एक माइनस का एक है और एक प्लस का एक है। ये जो माइनस का एक है वो इस इंटरवल के बीच में नहीं आता है, ये पॉजिटिव का इंटरवल है ना, तो ये अमान्य हो जाएगा, ये वाला इस इंटरवल में नहीं है। लेकिन ये जो वन है वो इस इंटरवल के बीच में आता है, तो सी का मान ये एक्सेप्टेबल हो जाएगा, सी बराबर वन, ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा। तो ये इसमें ज़्यादा कुछ एमसीक्यूज है नहीं बेटा, सारा कॉन्सेप्चुअल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आप खुद से ट्राई कीजिए। मैं तो कहूँगा अगर आपने एनसीईआरटी के क्वेश्चन ढंग से कर रखे हैं, सारे फार्मूले आपको पता है, मेथड पता है, तो आप आराम से सारे एमसीक्यू बना सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, सब कुछ मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, लिंक्स मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन पे, और सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे mathematicsanalysis.in में। जय हिंद, अपना ख्याल रखें।